ठीक है जी, ये देख लो इतना गजब फ्रंट है इसका। यो जो टोटल है हमारा तीनों भाइयों पर करीब 4.5 बीघे या 4.5 बीघे उस टाइम 52 या 58 बीघे जमीन आई थी। अच्छा हाँ, आज प्रेजेंट में कितनी है? आज हो सके जी 200 के आसपास लग गया होगा जी सारा। 1 करोड़ अगर आज बना दे तो लगते कम से कम 20 करोड़। दोस्तों मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ टिकोला कला में। पूरे टिकोला कला में ऐसा मकान नहीं है, देख लो कितना बेहतरीन मकान है। बहुत दिनों के बाद ऐसा घर देखने को मिला है। आज की इस वीडियो में हम आए हैं टिकोला कला जिला हरिद्वार में चौधरी इकबाल चौधरी जी के मकान पर। ठीक है जी, आपको दिखाएंगे एक बेहतरीन मकान। ये देख लो, बहुत ही बेहतरीन मकान है जी, आप देख सकते हैं। ये देख लो, वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। दो भाई हैं, इकट्ठा रहते हैं। कितनी इनके पास ज़मीन है, अपने बड़ों की संपत्ति इन्होंने कितनी बढ़ाई, पूरी जानकारी देंगे। घर आप देख लो कितना बेहतरीन है, लाल कोठी के नाम से पूरे टिकोला कला में ये मशहूर है। आसपास के इलाके में भी ऐसा मकान नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो भाइयों रोज़ रोज़ नहीं बनती। वो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम, पिताजी का नाम और एड्रेस बताइए सर। धन्यवाद जी आपका, आप यहाँ तक आए भाई साहब जी। जो हमारे पिताजी, उनका नाम है चौधरी इकबाल सिंह जी। अच्छा अच्छा, गाँव टिकोला जी हमारा। जी जी जी। अच्छा, ये जो आपने मकान बनाया कब बनाया था? ये करीब 13-14 साल हो गए जी। 14 साल हो गए? हाँ, 14 या 13 के आसपास हो गए। अगर आप बताना चाहें उस टाइम कितना पैसा लग गया होगा इसमें? उस टाइम पर कभी इसका वैसा तो हिसाब हमने रखा नहीं, फिर भी करीब 1 के आसपास लग गया होगा जी सारा। 1 करोड़ अगर आज बनाते तो लगते कम से कम 20 करोड़ जी। 13 साल काफ़ी हो गए। हाँ जी। चलिए मकान तो बाद में घुमाएंगे, हमें अभी बताइए पिताजी के हिस्से में ज़मीन कितनी आई थी? हमारे जो पिताजी है जी, में तीन भाई थे। हाँ, अच्छा, जो अच्छा। बड़े थे ताऊ जी हमारे चौधरी जगदीश जी। जी जी। और छोटे वाले ताऊ जी थे चौधरी भंवर सिंह जी। अच्छा अच्छा। और फिर ये तीसरे नंबर के भाई सबसे छोटे। अच्छा, इकबाल सिंह जी। अच्छा अच्छा। तो करीब पिताजी के हिस्से में उस टाइम 52 या 58 बीघे जमीन आई थी। अच्छा हाँ। आज प्रेजेंट में कितनी है? आज हो सके जी 200 के आसपास हो सकती है जी। अच्छा, 200 के आसपास। हाँ जी हाँ। बहुत जमीन बढ़ाई आपने, अच्छी बात है, मेहनत की आपने। आप दो भाई हो? तीन भाई है जी। अच्छा, बड़े वाले राजेंद्र है जी। अच्छा अच्छा। और छोटे वाला बालेंद्र है, वो बराबर में ही है उसका मकान। अच्छा, अच्छा। मतलब इकट्ठे रहते हैं? हम इकट्ठे रहते हैं जी, यहाँ दो यहाँ है। अच्छा, मतलब आप दो इकट्ठे रहते हो? एक हाँ, वो भाई मारा 12-13 साल पहले अलग हो गया था। वो अलग हो गया था, चलो कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है भाई। जी जी। अच्छा, अब आप ये बताओ खेती के अलावा सर बिजनेस क्या क्या है अपना? खेती के अलावा जी पेस्टिसाइड की दुकान है जी एक हमारी, पहली पुरानी। हाँ, पुरानी है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। पिताजी बैठते हैं। अच्छा। और बड़े वाले भाई जो है राजेंद्र, मैं अपना खेती देखा। अच्छा अच्छा। और मैं भी थोड़ी बहुत ही ठेकेदारी छोटी मोटी कर लूँ। अच्छा, मिल जाए तो कहीं, नहीं तो सब खेती का ही काम है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया जी। गन्ना ही होता होगा? गन्ना ही है जी, मैंने यहाँ जो बैल्टसरी गन्ने की है। बात करें टिकोला कला की, इसमें बिरादरी कौन सी रहती है? इसमें गुज्जर बिरादरी है जी ज्यादातर। हाँ जी ज्यादातर। अच्छा, वोट बैंक की बात करें तो वोट कितनी है? वोट करीब गाँव के 4500 या 4500 के आसपास वोट है जी। 4500। अच्छा, आपका गोद क्या है? क्योंकि गोद हम इसलिए पूछते हैं, पता होना चाहिए भाई कौन सी किसान बिरादरी कितनी तरक्की कर रही है। जी जी, हमारा जो गोद है जी उसे पताओ कहें जी। पताओ? हाँ जी। अच्छा, पताओ। अच्छा, ये हिंदुस्तान में हमारे गांव है जी, और एक गांव पड़ता है जी हमारा अंतवाड़ा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैंने काफ़ी गुजरों की वीडियो बनाई है। हाँ जी, काफ़ी बिरादरी की वीडियो बनाई है, मावी और मावी गोत। और ये जो आपका पता है ना, बहुत कम मिला देखने यो पता गोत्र है नहीं जी, असल में इसका जो मतलब इसका बिगड़ा हुआ नाम है कुछ गोत्र, हमें पता नहीं, बड़ों को पता होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन जो अंतवाड़ा गांव है और एक कोड्डा पड़ता है, कोड्डा, और इसमें तीन गांव ऐसे हैं जिनमें इस गोत्र के लोग मिलते हैं। अच्छा, बड़े कहाँ से आए थे कुछ पता है आपको? यहीं से? बस राजस्थान से बताओ जहाँ जी। राजस्थान? हाँ भाइयों, बात काफी हो गई, अब आपको शानदार मकान दिखाते हैं। सर बात करें इसकी एरिया की, कितने एरिया मकान है? यो जो टोटल है हमारा तीनों भाइयों पर करीब 4.5 बीघे या 4.5 बीघे का आसपास। 4.5-5। हाँ जी, 4.5-5 बीघे में मकान बना है। जी जी। बनने में कितना टाइम लगा था 13 साल पहले? इसमें 2 साल लग गए थे जी। 2 साल? हाँ जी। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए भाइयों कितना शानदार है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जो इसका फ्रंट है ना, बहुत ही गजब लगता है इस मकान का, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख लो। और भाई साहब ने जो कलर करवाया ये भी बहुत ही मस्त है, ये देख लो। अब हमें आप ये बताइए सर, ये जो इतना अच्छा मकान आपने बनाया, आर्किटेक्चर की मदद ली थी या खुद का दिमाग? नहीं, आर्किटेक्चर की थी। आर्किटेक्चर का कोई दिमाग? नाम बता दो, उनको भी अच्छा लगेगा। एक आर्किटेक्चर कहाँ के थे? अंसारी जी है मंगलोर में। मंगलोर में अंसारी? हाँ जी, वे रुड़की बैठते हैं बल्कि। अच्छा अच्छा। और शायद
नाम सुन का मेरा क्लियर काफी टाइम हो गया, भूल गए जी जी जी। अच्छा मतलब कहना का ये आर्किटेक्चर मतलब ले लेनी चाहिए। जी 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 आपकी क्या राय है? कुछ किसान भाई क्या है ना, पैसा तो दुनिया भर का लगा देते हैं फिर बाद में देखते हैं यार बनाना क्या था, बन गया ये क्या है। दरअसल क्या हमारे से कुछ गलतियां हुई हुई जो आर्किटेक्चर ने इसमें दी थी फैसिलिटी मकान में, जैसे की बराबर में जो हमारी बैठक है फिर कमरा है उसके बराबर में उन्होंने लैट्रिन बाथरूम अटैच दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो हम नहीं लगा पाए। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि आदमी बीमार हो जा या बरसात हो उसमें दिक्कत है, दिक्कत है तो हमें बाहर फेरी अंदर बनानी पड़ी है बाहर। हाँ। तो वहाँ से आर्किटेक्ट के हिसाब से चलते तो वे सुविधाएं रहती है, अटैच बाथरूम लैट्रिन हाँ वे होनी चाहिए, वो इस मकान में उस चीजों का अभाव है। हाँ, उसका ये भी फायदा होता है कोई मेहमान आ जाए कुछ शर्मा शर्मी जी 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 जी, अपना भाई अपना सब सेपरेट है। हाँ जी, अब देखो जैसे ना इस घूम का आओगे तो ये लैट्रिन बाथरूम है ऐसे ऊपर यहाँ पे काफी दूर पड़ता है, दूर पड़ता है ऐसे ही उस साइड में दूर पड़ता है। बहुत ही बढ़िया मकान बनाया है। अब आपको मकान दिखाते हैं इनका, चलिए इधर से शुरू करते हैं। आज भी इधर से चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो लैटिन बाथरूम शायद अभी ये इसमें काम चल रहा है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इसके टाइल वाइल रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको बनाने का कुछ खास रीजन? दरअसल इसका रीजन इसलिए है कि मेहमान कोई बाहर से वैसे भी रोड पे मकान है ना, हाँ कांवड़ यात्रा के टाइम जी 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 कांवड़ यात्रा के टाइम पर भी लोग आ जाएं यहाँ को निकल जाएं तो फिर उन्हें सुविधा बाहर से बाहर रोड पे मिल जाए। हाँ, और जब आप हम इस मकान के बारे में डिस्कस कर रहे थे आप ये बता रहे थे कुछ लोग इसको मंदिर समझते हैं, कुछ इसको आश्रम समझते हैं कलर की वजह से, कलर की वजह से भी एरिया काफी बड़ा है। हाँ जी, 4.5 बीघे है। जो बाहर के लोग आते हैं ना उनके एरिया में इतने बड़े बड़े मकान नहीं होते किसान। दरअसल एक बार आए लोग तो उन्होंने भैंस से देख कर हमसे पूछा कि गैया कहाँ है। अच्छा अच्छा, तो आश्रम में तो गैया होती है। जी जी जी, मगर नहीं वो थोड़ा सा मकान है, आश्रम नहीं है। अच्छा, जी जी जी। हाँ, ये देख लो भाइयों, ये इनका डोगी है, ये बंदरा जी झोटा। और जैसे कि हम आपको दिखाते हैं किसानों के घर में कभी भी जाना खाट वगैरह तो मिलेंगी। ये खाट है जी, ये यहाँ क्यों डाल रखे सर? ये इनकी बुनाई होनी थी जी, तो अभी बरात टिकी थी एक गांव में से। अच्छा, तो ये हमने इधर डाल दी थी फेर में एक तरफ। ये लकड़ी की है? ये साल की लकड़ी है जिसमें सिस्टम के पामे हैं जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए चलिए ऊपर चलते हैं, आ जाओ। अरे बस कर, इधर से चलते हैं, आ जाओ। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए जो आपने उधर से चला। हाँ, पहले नीचे देख लेते, ये गाड़ी है अपनी जी जी सफारी स्कूल का। हाँ जी जी जी, ये दो ट्रैक्टर है जी, ये फार्म ट्रक है जी। अरे वो महिंद्रा तो ये ट्रैक्टर है, जा रहा है जी, देख लो भाई। एक ऐसा रहा ट्रैक्टर खेत में गया, तीन है। हाँ जी, तीन तीन ट्रैक्टर है जी। एक तो ये देख लो महिंद्रा 475, ठीक है भाई, और एक ये है फार्म टैक 60, ठीक है। अभी देखो कितना बेहतरीन लग रहा है जी यहाँ पर, आप देख सकते हैं कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है जी इसका। अच्छा सर, ये कहाँ गए? अच्छा, ये जो कलर आपने कुछ किसने का आइडिया था? कलर बहुत बेस्ट लगता है इस मकान का आपके। कलर का तो आइडिया ये समझ लो जी कि पुराने टाइम तो बीजेपी की वोट देते आ रहे, तो हिंदू तो वादी। अच्छा, कलर है जी। अच्छा, पहले ठीक है जी, नहीं मतलब भगवाई बना, भगवाई है जी बस। अच्छा, हनुमान जी का कलर है जी। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर? हाँ जी, बीजेपी के सपोर्टर है जी। अच्छा चलिए जी जी जी, ये देख लो भाई, ये नीचे माँ बात करें, इनके कमरों की कितने कमरे होंगे टोटल? टोटल कमरे तो नीचे तो ये 6 कमरे हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और ऊपर का जो है गिना नहीं जी कभी। हाँ, वो गिनती नहीं है किसान। मैंने बहुत सारों की वीडियो बनाई है, 20-20 साल हो गए अपने मकान में रहते हुए और उनको ये नहीं पता कितने कमरे होंगे मकान में, कमरे कितने हैं। 20 देख लेते हैं, देख लेंगे जी। ये देख लो जी, नीचे से हैं 19-20 कमरे होंगे, कमरे गिनते नहीं है भाई, वो कोई भी नहीं गिनता। मैंने काफ़ी बनाई है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये देख लो जी, ये है जी बैठक वाली। हाँ, आ रहा हूँ जी, अभी आ रहा हूँ, ये दिखा दूँ। ये देखो जी, नीचे जो है टाइल लगे हुए हैं और ये पिलर है नीचे, पूरा नीचे का जो एरिया है पिलर पर खड़ा हुआ है, देख लो आप, ठीक है। और जी ये जो मकान का मैं भराव बताऊँ, 6 फुट भराव है इसका, ठीक है। वैसे गुज्जर भाई अपने भराव के उससे भी जाने जाते हैं, भराव मकान इनके तगड़े ही होते हैं, ठीक है जी। तो सर, ये जब भराव किया था, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू में पैसा काफी लगा होगा। हाँ, न्यू में इंटीरियर पैसा काफी है लोहा सर, ये पिलर वगैरह नीचे तक आपने किए होंगे? जी जी, जितने ऊपर है जी, इससे ज्यादा नीचे है जमीन में जी। ये जब ये मकान बनाया, जमीन अपनी थी कि ये भी खरीदी थी? जमीन खरीदी थी, खरीदी थी। हाँ जी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया जी। ये देख लो भाइयों, नीचे से इस मकान का लुक ऐसा लगता है, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया मकान है। कोठी बोल सकते हो आप, मकान हवेली घर कुछ भी बोलो, मैं तो मकान ही बोलता हूँ भाइयों, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देख लो उधर इनके पशुधन है, गाय भैंसे बंधी हुई है, और ये इनकी बैठक है,
ठीक है जी। और जैसा कि हम आपको बताते हैं, किसान कितना बड़ा हो जाए उसके घर में मुड्ढे खाट हुक्का जरूर मिलता है। हुक्का इनके घर में इसलिए नहीं है, यहाँ नशा पत्ती नहीं है। हाँ जी, मीरकपुर के हमारे मामा जी, इसलिए हम हुक्का भी अच्छा, मीरकपुर के मामा हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी। मीरकपुर भी अपने आप में बहुत फेमस गाँव है। ठीक है जी, ये देख लो, चलिए ऊपर चलते हैं। देख लो ऊपर का भी मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देख लो, हम देख सकते हैं। और भाइयों, 13 साल हो गए इस मकान को, ठीक है, फिर भी इसकी सुंदरता कम नहीं हुई मकान की। और जैसे कि सर ने बताया, वैसे उस टाइम पर 1 करोड़ रुपया लगा था, आज के टाइम में तो बहुत पैसा लगता है भाइयों मकान बनाने में। सपना रह गया किसानों के लिए ऐसे मकान बनाने। ठीक है जी, ये देख लो, हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से आपको दिखा देंगे। अच्छा सर, ये मुझे ऐसा लग रहा है आपने दो भाइयों के हिसाब से मकान बनाया। हाँ, दो भाइयों के हिसाब से। आइडिया इस मकान का आपका था या पिताजी का? बस ये मिला जुला था जी, ऐसा मिला जुला। हाँ जी, सबका ही। हाँ तो जी जी, बढ़िया किया। ये पूजा घर है जी इसमें इधर। अच्छा, ये पूजा घर है। हाँ जी, ये देख लो जी, पूजा घर बनाया हुआ जी। देख लो भैया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और ये यहाँ पर ये ऊपर जाने का जी, ये ऊपर जाने का है। चलिए, इसमें हम आपको बाद में पूरा गाँव दिखाएंगे यहाँ से टिकोला। ये देख लो, ये हम ऊपर आ गए भाइयों, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। लाइट खोल दो। ये देख लो जी, इधर चलते हैं। ये रसोई है और ये देख लो, ये चूल्हे की रोटी बनानी हो तो इसमें बन जा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये हाँ, ये पहले जी 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 पहले जमाने का, अगर चूल्हे की रोटी बनानी तो यहाँ से धुआं निकल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी। ये देख लो, बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है भाई। अब इसमें ये इसमें थोड़ी लीकेज हो गई थी यहाँ से इसमें। अच्छा अच्छा, इस टॉयलेट में तो इसकी तुड़ाई चल रही फिलहाल जी। ये देखो, यहाँ से मैं आपको इसका फ्रंट दिखाऊंगा। सबसे बढ़िया जो इस मकान का लगता है भाई, वो फ्रंट, फ्रंट बहुत दमदार है इस मकान का। देख लो आप, यहाँ से देख लो, ठीक है जी। ये देख लो, इतना गजब फ्रंट है इसका। ये देख सकते हैं आप, गजब, बहुत ही बेहतरीन। तो पार्टीशन, अब हम इसका जो पार्टीशन का आपके पिताजी ने आपने सोच के बनाया होगा, चलो अभी तो इकट्ठे रहते हैं। हाँ जी, आने वाले टाइम में। आपके कितने लड़के हैं? एक लड़का मेरे, एक बड़े भाई साहब का जी। अच्छा, तो दिक्कत ये होती है भाई, अपनी तो बन रही है, आगे ना बने तो अपना अलग अलग। हाँ, कभी भी तो इजीली ये मकान फूटेगा ना पैसा। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब इकट्ठा का इकट्ठा और अलग का अलग है, इसमें कोई वो नहीं है जी। हाँ जी, आजकल यही चल रहा है ट्रेंड में पार्टी। जी जी जी, अपना लड़ो झगड़ो कुछ भी रहो, पर रहो एक छत के नीचे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये मकान 20 कमरे हैं इसमें, 20-25 कमरे हैं। देख लो भाई, ये ऊपर से वगैरह, ठीक है, ये कमरे वगैरह इनके। चलिए, मुझे तो ज़्यादा नहीं जी जी, तो भी थोड़ी बहुत चाहिए जी जी। चलिए ऊपर चलते हैं सर, ये ऊँचा आप उधर से निकल जाएंगे। चलिए चलिए, उधर से निकलते हैं। ये देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया मकान बनाया है इन्होंने। अभी रसोई एक ही चल रही है हमारा। हाँ, एक ही है। हाँ जी, एक ही होनी चाहिए घर में वैसे। जी जी, भगवान ना करे दो रसोई की जरूरत पड़े। नहीं, रसोई बनी रखी है, तैयार है। अच्छा, लेकिन यूज में नहीं है। अच्छा, यूज में नहीं है। देखो ये रसोई बनी है इनकी। देख लो भाई, बढ़िया मकान बनाया बहुत। और ये भी काम चल रहा है थोड़ा यहाँ पर। ये देख लो भाई, ऊपर कहाँ से जाएंगे? ऊपर आ जाओ, अंदर से जाएंगे। ये देख लो, इधर से मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा साइड से। ये देख लो, चलिए अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। नक्शे में 13 साल हो गए मकान को, नक्शा वो यूज का नहीं रहता, तो पता नहीं रख के भूल जाते हैं सब। यहाँ आ गए सबसे ऊपर। ये गांव है जी? ये गांव है भाई, ये पूरा टिकोला कला। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता सर इससे बड़ा कोई मकान है टिकोला में। हाँ नहीं, अभी तो है नहीं जी, अभी नहीं है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। अब हमें आप ये बताओ, अब हमारे किसान, युवा किसान है जी जी, ये देखने को आया है ज़्यादातर 40-50 बीघे ज़मीन होती है,
40-50 बीघे मेरे हिसाब से एक के नाम पर अच्छी जमीन होती है। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा किसान होता है, ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से। अब क्या करते हैं, 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए निकल जाते हैं, तो इसको कैसे रोके और किसान का लड़का कामयाब कैसे हो? देखिए अगर 50-60 बीघे हमारे पास जमीन है जी जी, तो हम दूसरे की नौकरी करने से अच्छा तो अपनी अपने खेत में काम करा जी, ठीक है जी, नहीं पैदावार अच्छी ले सकते हैं मजदूरों के अलावा अगर खुद खेती करेंगे। अच्छा, और 50 बीघे खेती आदमी एक दो मजदूर साथ में लेकर कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कामयाबी की, कामयाब कैसे? देखो जी, कामयाब होने का तो एक ही सूत्र है जी, कि माँ बाप की जो सेवा है वो करनी चाहिए आदमी को जी जी। और दूसरी बात, नशा और जो जुआ है ना, और जो आज की डेट में लोग सुखे नशे पर लगे हुए लड़के नए नए, तो फिर तरक्की क्या, घर का बिक जाएगा जी। वो तो आपकी बात है, पर सर क्या कर रहे हैं, जो ये टीन एज होती है, अब आपने देखा होगा अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, ये खुद ही जो बड़े बड़े हीरो बोलते हैं इनको, ये खुद ही गुटके का और नशे का प्रचार करते हैं, तो इनसे कैसे बचे? घर में सबके टीवी रहता है तो बच्चे इसको देखते हैं, गलती इनकी नहीं होती, मैं बच्चों की गलती नहीं कहूँगा, गलती इनकी हीरो की होती है। मैं बता रहा जी, जो हमारे बच्चे है ना, जो हमारा सनातन धर्म है ना जी जी, जिस दिन ये स्कूलों में पढ़ाए जाने लगा तो नशे पन जाने का जी। जो हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल है ना जी, उन पर तो लड़के आज का जवान नौजवान जा ही नहीं रहा, वो इन हीरो की तरफ भाग रहा है। ये हीरो थोड़ा तो भांड है, नाच गाने वाले, नाच गाने वाले तो पैसा ले रहे हैं ना उस चीज का। मैं खुद अपने बच्चों को मैं चीज नहीं खिला रहे ना, खुद खा रहे। हाँ सही बात है, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को खिला रहे तो तब तो बात है, बच्चे तो उनके ऐड करते नहीं, खुद भी नहीं खाते, खुद भी नहीं खाते, बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ बना रहे भाई साहब। तो इसलिए नशे से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा जी, आपके यहाँ नशा पत्ती कुछ नहीं? ना कुछ नहीं। आपने बताया आपके मामा जी मीरकपुर से, तो फिर मतलब हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए और क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों को तो अपने जीवन की थोड़ी सी टिप्स दे दो। मैं टिप्स ये दें, टिप्स तो कुछ है नहीं, जैसे अनुभव वाले तो हम है नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात ही कहूँगा कि जो आनंद किसान का इकट्ठे में रहने से ना जी, ये भाई अलग हो जाना थोड़े दिन बाद, मतलब शादी होगी साल दो साल बाद अलग हो जा, तो इसमें नुकसान है उसकी पीड़ा है। जो उसका माँ बाप हो उन्हें बहुत हो, और जो कमाने वाले भाई है ना उन्हें भी बहुत हो, आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप तो तीन दो भाई हो, यहाँ इकट्ठा है, अगर अलग अलग हो जाए तो अलग अलग पैसा लगाना पड़ता, अलग अलग टूटता है भाई साहब। खेती के साधन अलग बनाने पड़े किसान, और खेती के साधन बहुत महंगे हैं। सही बात, अरेंज नहीं कर पाता किसान। अरे ये भी कहावत है, अकेला ना तो हंसता हुआ अच्छा लगता ना रोता हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल, कम से कम साथ बैठे ना। हाँ जी, अपने जैसे हमारे पिताजी हैं और हम दो भाई हैं फिलहाल इकट्ठे रह रहे, अच्छा लगता है, तो हम उनके साथ शाम के टाइम तो बैठे ही बैठे हैं, सुबह सुबह जरूर बैठेंगे। सही होना चाहिए, अगर हम नहीं बैठेंगे तो उन्हें भी लगेगा यार मेरे पास नहीं बैठ रहे। कोई बात है, कोई बात है, तो चीजें होनी नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया टिकोल्ला सबसे बेहतरीन घर। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों संबंधित अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।